नमस्कार, आप लोग देखते हैं रियलिटी भोजपुरी। आज हम बात करम सोमिया पोखरेल के बारे में, जो नेपाल के भोजी बाड़ी उनकर बारे में। वो जब से खेसारी लाल के साथ मतलब अली स्टेज शो में, तब से कितना कुछ भोजपुरी में बदलाव होल बा, कितना उनकर एटीट्यूड बढ़ल बा, सब के बारे में बात करम हम। तो बनल रही जा वीडियो में, पूरा देखी जा अंत तक और मजा लीजिए वीडियो के। बनवाने से काम मिल गया और इंडिया के लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टैलेंट नहीं मिल रहा। काम मांगी हूँ उनके साथ, खुद वो नहीं दिए हैं। मैं बोली कि हमको काम करना है आपके साथ, आप भी जाइए, अगर आपके पास टैलेंट है तो बोलिए। अच्छा टैलेंट ते भोजी, तहरा से ज़्यादा टैलेंट वाली लड़की यूपी बिहार में बड़ी लोग, वो लोग अपन हाथ में टेटो बना के खेसारी लाल के स्टेज शो में जाके दांत निखेचिया तो लोग कि हमके काम दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। चाहती लो तो वो लोग अपन हाथ में टेटो बना के जैती लो खेसारी लाल के स्टेज शो में, उनका जोन फेवरेट बड़न उनका स्टेज शो में। लेकिन तहार जैसे तो वो दांत निखेचिया तो लोग जाते। और टिकटॉक आ इंस्टाग्राम में तनी फॉलोअर रहला से कोई स्टार ना हो जाला और उनके टैलेंट ना कह जाला। 30 सेकंड 15 सेकंड के वीडियो बनेला से कोई टैलेंट ना हो जाला। टैलेंट अपन देखाए बनो तो खुद पूरा वीडियो बनाओ। हाँ यूट्यूब बा, यूट्यूब में कुछ अपन वीडियो बना, अपन टैलेंट दिखाओ। वो तो 15 सेकंड वाला दूसरा के गाना में अपन लिपसिंग करके उसे तो टैलेंट ओके ना कह जाला। भोज स्टार में आकर अपन पवन सिंह स्टार को आप कह रही है नहीं जान रही है। अच्छा आप जानते हैं? आप जानते हम सब किसी को जानते हैं। अच्छा तो दिखाइए ना, हम भी जान। अच्छा तो तू पवन सिंह के ना जान लो। तो पवन सिंह के जौन गानों पर अपन टिकटॉक में इंस्टाग्राम में रील्स बनेले बड़ू, वो सब कैसे बनेलो है जबकि पवन सिंह के तू नहीं जानते हो? कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के गाने पर आपने रील बनाया है, उस समय आप पवन सिंह को नहीं जानती थी? नहीं, टिकटॉक पर चल रहा था तो मैं बना ली। अच्छा अच्छा, ट्रेंडिंग में आते रहे या तो बना देते रहो लोग, तो ऊपर नामो ना होते रहे पवन सिंह के। देखा इतना एटीट्यूड देखावल अपना के, इतना एटीट्यूड देखावल अच्छा ना। हाँ तू एगो अपन जन चाहता तहार स्टार बड़न ओकरा से मिल ले लू तो इतना आगे बढ़ गई अपना के, ओसन सोचत रहू तू तो बहुत गलत कर रू मुझे। और बात रहल पवन सिंह के, तू पावर स्टार हन जाना तू पवन सिंह के हाँ, सुन ल खेसारी भैया के मुँह से सुन ल तू पवन सिंह के हन पूरे इंडस्ट्री का बॉस, जिसका नाम पवन सिंह। तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। सुन लिया लू खेसारी भैया के मुंह से कि पवन सिंह के हवन पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बॉस। और खेसारी भैया के, खेसारी भैया खुद बोलते हैं कि हमार पिता समान हवन। तो तू पवन सिंह के इतना नीचा गिराए कोशिश करते हो, अरे तू हो कौन भोजी? और ये वीडियो देखी जा आप सभी, ये वीडियो में तो जन जन जितना पवन सिंह के फैन बढ़ल लो सब पर खून खोले लगी। ये वीडियो देख जबरदस्ती बच्ची इन ला भाई तहनी का गरियला से लगा था, हम हार बेनी माफ कर दी लगी ना के कह देम ना, नहीं खींची नत नहीं खींची नत कहियो ना भाग और ना चीने सर जो करे ना जमगी। हाँ ना चीने वाला आदमी के कहा ला कि हाँ यार ना, मतलब इतना एटीट्यूड के थी, एटीट्यूड क्यों कैसे के दिखाओ थोड़ी भौजी। जौन इंडस्ट्री में आके तू पहला काम करे के मौका पहले बढ़ू, वह इंडस्ट्री के जौन दिग्गज कलाकार बढ़न पवन भैया पावर स्टार सुपर स्टार, उनके तू ऐसे बोलते रहो, इतना एटीट्यूड दिखा दे, इतना एटीट्यूड कौन मतलब से इतना एटीट्यूड दिखाओ दे। ये एटीट्यूड अपन नेपाल में देखिए है, जा इंडिया में ना चलिए। आपका फिल्म कब तक आएगा? हाँ आई फिल्म इनको रो, फिल्म मतलब 2-4 मिनट के आई, 2-3 मिनट के फिल्म आई आई रहा हूँ कृषाकर मधु के, उसने फिल्म इन करो भाई बहुत जल्द आई और आप सबके देखे के मिली। आप भी जाइए अगर आपके पास टैलेंट है तो बोल। और रहत बात टैलेंट के, तो तहरा में कोनो टैलेंट नहीं है, तू बस एगो टेटो बनवा लिया लू हाथ में और जाके स्टेज पर चढ़ गलू और खेसारी लाल से कहलू कि हाँ हम टेटो बने ले बानी तो हमके मौका द, रोए लगलू तो मौका एगो दे दिया। और तहार इसके टैलेंट ना कह जला भौजी, टैलेंट ओके कह जला। हाँ जाके देखा यूपी बिहार में कितना जाना मेहनत कर लो, यूट्यूब में वीडियो बनाते रह लो, कितना मेहनत करते रह लो, फिर भी उन लोग के कुछ मौका नहीं मिला भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन तू एक बस टैलेंट टेटो बनवा के अपन टैलेंट दिखा दिए, टैलेंट ओके ना कहा जाता। और जात जात में यह बोल तनी हम कि अगर हमने के पावर स्टार पवन भैया के बारे में अगर केहू कुछ बोली तो ओके तो हमने के छोड़े के नहीं, चाहे जितना सकल उतना रेलल जाए, कुछ भी कर लो केहू, हमने के कोई परवाह नहीं। जय भोजपुरी।